Hey Geeks, this is Meek. You are watching Geek Make. Let's start it. So, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पांच ऐसी तरीके जिससे आप जिसे यूज करके आप बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। वो आपने प्रो मोड तो सुना ही होगा, वही उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ISO एक्सपोजर वगैरह हम कैसे सेट कर सकते हैं और बेहतरीन इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने कैमरा ऐप ओपन कर लिया, इसमें मैंने अपना प्रो मोड भी ओपन कर लिया। अगर आपके फोन में प्रो मोड नहीं है तो आप कोई मैनुअल कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट बैलेंस की। वर्ड बैलेंस बेसिकली अलग अलग आपको एक फैक्टर वर्ड कर सकता है, जैसे आप सनी क्लाउडी जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप कैप्चर कीजिए, अपनी इमेजेस बहुत ही बेहतरीन इमेजेस आएंगी। सो अगली चीज़ जो है वो है मैक्रो। मैक्रो बेसिकली मैनुअली आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैमरा का। सो बेसिकली जो आपको अच्छा लगे उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, और मैक्रो जो है शॉर्ट्स भी ले सकते हैं अपने हाथ को पास करके, कोई भी ऑब्जेक्ट को पास करके। सो अगली जो चीज़ है वो है ISO। ISO बेसिकली एक आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है सॉफ्टवेयर की मदद से। इसको आप कम से कम रख के क्लिक करें, क्योंकि अंडर एक्सपोज करने में दिक्कत आती है, ओवर एक्सपोज करने में दिक्कत नहीं आती पोस्ट प्रोडक्शन में। सो इसको कम से कम रख के आप फोटो कैप्चर करें। अगली जो चीज़ है वो है शटर स्पीड। शटर स्पीड बेसिकली आपका लेंस कितने टाइम तक ओपन रहता है कैप्चर करने के टाइम वो होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप लाइटिंग फेयर कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसको आप देख देख सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा कि आप शटर स्पीड के साथ कैसे खेल सकते हैं और कैसी बेहतरीन इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है हमारा एक्सपोजर। एक्सपोजर बेसिकली ट्रायंगल होता है ISO और शटर स्पीड को एडजस्ट करके आपको लाइटिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लाइटिंग हो सकती है, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बेहतरीन फोटो क्लिक कर सकते हैं। इन पॉइंटों को यूज करके आप काफ़ी अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये सभी पांचों चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी और आप भी बहुत बेहतरीन इमेजेस क्लिक करेंगे इसके मदद से। सो आप जब भी ऐसी इमेज क्लिक करें मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे @hermeeksingh, एक यूजर नेम यहाँ पे कहीं आ रहा होगा और मुझे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वरना माता रानी पाप करेगी। दिस इज हरमीत साइन ऑफ। हम महान, हमारे भारत महान, हमें देते रहे ऐसे बहुत सारे ज्ञान। जय हिंद, वंदे मातरम। उधर एक बंदा है और जब मैं बोलना शुरू करता हूँ वो मेरे तरफ देखना शुरू कर देता है। ये बंदा इसने क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज इग्नोर, मारना पड़ेगा।